साली ने जीजा को सिखाई घर उजाड़ने की सबक। जी हां, यह वीडियो महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन, जिलाधिकारी कार्यालय, एसपी ऑफिस एवं सिविल कोर्ट के बीच का है। मामला यूं है कि जिले की एक युवती की शादी इसी जिले की एक युवक के साथ 6 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन युवक के जीजा के क्रूर मजाक और हस्तक्षेप के कारण पति ने पत्नी को छोड़ दिया। काफी प्रयास के बाद भी रिश्तों में कड़वाहट बनी रही। अंत में युवती ने परिवार न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया, जिससे मुकदमे की सुनवाई की अगली तारीख आज 20/9/2018 मुकर्रर की गई थी। नियत समय पर मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हुई, जिसमें युवती काफी लंबी समय बाद मुकदमा जीत गई। इधर न्यायालय कैंपस से बाहर निकलते समय युवती का नंदोई यानी पति का जीजा उक्त युवती को गाली देने लगा, जिस पर नाराज युवती दौड़ाकर अपने नंदोई को विकास भवन पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कॉलर पकड़ लिया और सवालों की बौछार करने लगी। इतने में देखते ही देखते सड़कों पे भीड़ जुट गई। सब भीड़ युवती को समझाती रही, लेकिन जब पीड़ित ने भीड़ को भोजपुरी में बताई कि ई हमार नंदोई है, हमरे मर्दे से हमके छोड़वा दिलिस और ओकर दूसरे औरत से संबंध बनवा के रख ले बा, और नंदोई कहत रहल तू हमरे साथ रहा, यानी कि उस पीड़ित युवती मुताबिक नंदोई यानी पति का जीजा एक षड्यंत्र के तहत पति पत्नी के बीच दरार पैदा कर पत्नी को पति से तलाक कराने की योजना बना डाली और अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गया। इधर पीड़ित कोर्ट कचहरी की चक्कर काटती रही। उधर पति जीजा के सहयोग से दूसरी युवती को रखेल बनाकर घर में संबंध कायम कर रखा है। इतना सुनते ही भीड़ यह कहते हुए खिसकने लगी कि युवती अब सही कार्रवाई कर रही है। हमारे संवाददाता शिवरतन कुमार गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। अच्छा छोड़ दो,